सर शशि पटेल जी, परसों आपने जो नाम ले जो हमको टिकट होना बोल के जो एप्लीकेशन डाले कांग्रेस पार्टी के पास, आपके जो है जितने भी अभिमानी बच्चे हैं आपको उल्टा जो रिक्वेस्ट करके डालने लगा, इसके बारे में क्या कहते हैं सर? देखो, मेरा इच्छा तो असेंबली जाने का नहीं था। हमारा नॉर्थ कंसिक में जितने भी हमारे वोटर्स है बेजार होके, उनको एक लीडर बहुत जरूरी है बिदर नॉर्थ में। वो लीडर के लिए मेरे को हमारे समाज पूरे हमारे कार्यकर्ता मिलके, पाटिल जी आप डालो, आपके साथ में हम है, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ में है बोल के एक निर्णय लेके, एक स्टेप लेके, एक मीटिंग लेके हर सर्कल में, जनवाड़ा सर्कल, मालेगांव सर्कल और हमारे यरनली, हल्यांबूर, राजना, इलासपुर, पूरे गाँव वाले को बुला के एक मीटिंग लेके, मैंने जो है कि पार्टी ऑफिस में मैं 20 साल से मैं पार्टी में मेरे को हक है कि टिकट पूछने के लिए मैं एक समाज के लिए लिंगायत लॉबी में, और कम से कम मैं 3-4 बार डेलीगेशन भी ले गया मैं टिकट के लिए। ये बार लिंगायत दो बोल के, अगर लिंगायत नहीं देते तो चेंज करो बोल रहे हम, क्योंकि मूलभूत सब करते डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है बीदर में। रोड देखो, नाली देखो, कुछ कुछ काम नहीं है। 3 टर्म MLA हो गए हमारे रहीम खान साहब, हम कितने बार साहब, एक नौबाद में 2-3 रोड है, उधर है पूरे, ऐसा कितनी रिक्वेस्ट करे तो रेस्पॉन्स नहीं है। इसलिए हमारे लोग बेजार होके मेरे को ये फाइनल करके मेरे को आप डालो, हम तुम्हारे साथ है बोल के बोले, हम टिकट के लिए एप्लीकेशन डाल के बेंगलुरु में कम से कम 150 लोगों को साथ में लेके गया था मैं, सभी लोगों को नेतृत्व में डेलीगेशन लेके जाके एप्लीकेशन डाल के मैं आया। और हमारे ईश्वर साहब हमारे नेताजी है, पार्टी में बहुत बड़े नेता है, उनको भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार हमारे को टिकट चाहिए बोल के उनको रिक्वेस्ट करा। और पार्टी में सभी लोगों को, बिदर में जितने भी हमारे जिले कांग्रेस के लीडर है, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, एक बार हमारे को टिकट चाहिए और हमारे समाज को न्याय मिलता बोल के मेरे को विश्वास है पार्टी के ऊपर।